विनाशक वावाझोडू, जी हाँ, बिपरजॉय वावाझोडू जे हवे गुजरात ना दरिया किनारे नजीक आवी रह्यु छे, गुजरात नी वधु नजीक पहुंची चुक्यु छे। आ तोफानी संकट हवे जखोथी मात्र 180 किलोमीटर दूर छे। वावाझोडू वावाझोडाए पोतानी आगळ वधवानी गति वधारी दीधी छे। सवार थी लई अत्यार सुधीमां वावाझोडाए 40 किलोमीटर नुं अंतर कापी दीधुं छे। हालमां 6 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे आगळ वधी रह्यु छे। जखो बंदर पर छे वावाझोडा સૌથી વધુ સંકટ, આજે જ ગુજરાતના દરિયા કિનારે ટકરાશે બિપરજોય વાવાઝોડું। 7 કલાક બાદ ગુજરાત માત્ર ટકશે બિપરજોય વાવાઝોડું। गंभीर तूफान बिपरजॉय आज गुजरात के तटीय इलाकों को हिट करने वाला है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा जी मौजूद हैं। सर, अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे साइक्लोन को लेकर के, वो सब क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज सुबह साइक्लोन बिपरजॉय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाउड मास अभी सौराष्ट्र कोस्ट और कच्छ कोस्ट को एंट्री कर रहा है और इसका अभी जो विंड स्पीड है ये 125 to 135 केएमपीएच बस्टिंग टू 150 केएमपीएच है। जैसे हम पहले पूर्वानुमान किए थे कि आज थोड़ा वीकनिंग होगा और ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ रहा है और ये वेरी सीवियर साइक्लोस्टॉर्म होते हुए तट को हिट करेगा आज शाम के आसपास और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 to 140 किलोमीटर पर आवर होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये इस कच्छ जिला से शुरू करके यहाँ मोरबी और जामनगर और देवभूमि द्वारका, इस एरिया में सबसे ज्यादा विंड स्पीड होने का संभावना है। कच्छ में सबसे ज्यादा विंड स्पीड होने का संभावना है और जैसे हम पहले बोले थे वही इस प्रकाशमान जारी है कि कराची और मांडवी के बीच में जखाओ पोर्ट के आसपास ये तट को हिट करेगा। सर, वहाँ के मौसम पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका? जरूर पड़ेगा। मौसम तो ऑलरेडी जैसे कल बारिश हो रहा था, आज भी बारिश हो रहा होगा अलोंग द कोस्ट और विंड स्पीड अभी 70 to 80 केएमपीएच गोस्टिंग 90 केएमपीएच चल रहा है अलोंग द कोस्ट कच्छ सौराष्ट्र के कोस्ट के आसपास। ये धीरे धीरे बढ़ेगा और आफ्टरनून में विंड स्पीड 115 to 125 जो कि वेरी सीवियर साइक्लोन का विंड है गोस्टिंग टू 140 केएमपीएच होना है और इसके साथ साथ बारिश हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होना है और एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल भी कुछ इलाके में हो सकता है। कच्छ जिला से शुरू करके सौराष्ट्र का जितना जिला है स्पेशली ज़्यादा बारिश कच्छ जिला और इसके आसपास जितना जिला है जैसे देवभूमि द्वारका है, जामनगर है, मोरबी है, उस सब में हो सकता है। और जो टाइडल वेव है, टाइडल वेव 2 to 3 मीटर हाइट का टाइडल वेव कच्छ जिले स्पेशली में सबसे ज़्यादा होगा और इसके आसपास मोरबी और जामनगर देवभूमि द्वारका में भी अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए टाइडल वेव आ सकता है। सर, दिल्ली एनसीआर में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने की आशंका है? नहीं, अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका दिल्ली एनसीआर के ऊपर नहीं है। और सर, इसके साथ साथ ये जो पूरा तूफान है ये कब तक वीक होगा? ये आज हिट करेगा कोस्ट को शाम तक, इसका पीक विंड रहेगा रात तक और 16 तारीख से ये रैपिडली वीक होने लगेगा और 17 तारीख सुबह तक इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। सिर्फ हैवी रेनफॉल रहेगा वो साउथ राजस्थान और रेड जोनिंग एरियाज में। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज जो भी साइक्लोन बिपरजॉय है वो गुजरात के कच्छ जोन को हिट करने की उसकी संभावनाएं हैं और साथ ही साथ वहां पर हैवी से लेकर वेरी हैवी मतलब अत्यधिक बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।